It's time. Blood money, blood red tie, cigarette outside and यो लेट्स गो, कैसे आप सभी, मैं हूं कमैक्स। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइंड क्राफ्ट। ओके, सामने कितने दिनों से बोल रहे थे मेरे को कि भाई आप माइंड क्राफ्ट क्यों नहीं खेलते, माइंड क्राफ्ट क्यों नहीं खेलते। आई थिंक नोब गेमिंग ने भी कौन सी थी उसकी वीडियो बनाई थी, सभी ने माइंड क्राफ्ट की वीडियो बनाई थी पर मैंने ये नहीं बनाई बाय द, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग जो ये था ना रिकॉर्डिंग, वो मेरा माइंडक्राफ्ट की वजह से कुछ तो ये हो जाता था और मेरा मतलब नहीं होता था। सो बेसिकली आज मैं आपको सर्वाइविंग हम लोग करने वाले हैं माइंडक्राफ्ट में। सो अगर आप देख सकते हैं ये मेरा घर है। ओके, घर मैंने सब कुछ बना लिया है, बस मेरे को ये मतलब मैंने जो सामान जो है ना मेरा सामान वो अभी तक मेरा थोड़ा ही है स्टार्टिंग। और बेसिकली ये घर मैंने डाउनलोड करके लिया है और इसके अंदर हम लोग सर्वाइविंग खेलने वाले हैं बेसिकली। सो यप, ये सीक्रेट हाउस है बेसिकली, ये कोई अच्छा खासा इतना भी बड़ा घर नहीं है, इसमें एलिवेटर्स वगैरह लगा दिए है। सो आपको दिखा देता हूँ मैं इसमें, बाय द वे इसके अंदर सबसे नीचे जो फ्लोर है ना वहाँ पर सब कुछ है। ये देखो गेमिंग सेटअप है, क्विकली गेमिंग सेटअप। और ये है अपने आर्मर्स और ये है अपनी सीडी डिस्क, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये एक्चुअली मैंने दो बेड लगाया क्योंकि अगर मेरा कोई दोस्त खेलना चाहे सो वो खेल सकता है, और उसके लिए घर की चाबी। और ये है सिंक हाथ धोने के लिए, टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो हो वो है। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ घर के बाहर का माहौल, क्विकली टूर करवा लेता हूँ मैं। सो अगर आप देखे हैं सो मैंने घर के नीचे ही ये खेती बाड़ी कर ली है। सो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होता, मतलब खाने का मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। और ये मेन था एक्चुअली में। सो ये एलिवेटर है, अभी मेरे को नीचे जाना है सो मैं नीचे का बटन दबाऊंगा। लोडर खुल गई, चलो इसके अंदर चलो रे। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चेस्ट में कुछ तो थोड़ा सा सामान रखा है, मतलब ये सब माइनिंग का एक्चुअली में सामान है। एक्चुअली में यहाँ पर माइन मैंने बनाई है, वरना यहाँ पर कुछ नहीं था, बस वो फ्लावर वास्क रखा था। फिर मैंने उसे तोड़ा और मैंने ऐसा आइडिया लगाया, आपको दिख समझता है यहाँ पर माइन है, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता पर अगर आप खोल के देखो अंदर माइन है। तो हम लोग माइन भी कर सकते हैं और ये यहाँ से अच्छा भी दिखता है। पहले वही इतना ये स्ट्रेस्ड हो गया था मैं कि मॉडर्न सीक्रेट हाउस है तो उसके अंदर माइन बनाएंगे तो कैसा लगेगा, चलो मेडिवल होता तो हो जाता है सूट। सो यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड है, क्राफ्टिंग टेबल है और इंचेंटमेंट टेबल है और ये जो ग्राइंडर है और एनविल है और सब चीज़ें भी हैं। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी लगी, मेरे को अभी बस नेदर पोर्टल वगैरह वो सब बनाना है, बाकी कुछ ना है। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे फर्स्ट फ्लोर के ओर, सेकंड तो आपने देख लिया, थर्ड भी देख लिया, अभी देखिए फर्स्ट फ्लोर। और गाइस ये है, अरे यार ये फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ऊपर चलो ऊपर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बिल्ली रानी है जिसको नाम नहीं है। सो ये पहले बहुत छोटी थी, बड़ी हो गई। मेरे को ये पता नहीं था कि माइंडक्राफ्ट में अगर आप बस नॉर्मल बिल्ली का बच्चा रखोगे ना तो उसकी जो साइज़ बढ़ती है ना वो आप ना उसको कुछ खिला के बड़ा मत करो, अगर आपको खिला के बड़ा करना तो करो, पर उसके अगर आप छोटे छोटा बच्चा लेके अगर आप उसे एकदम बड़ा करते हो ना अलग सी फीलिंग आती है। और प्लस वो उसकी हाइट एंड हाइट वो स्टेज बाय स्टेज जाती है, एकदम ही बड़ी नहीं हो जाती, बस
इसके लिए मैंने वैसा किया। सो आप देख सकते हो ये मेरा किचन है, इसके अंदर मैंने कुछ डाला भी है आई थिंक। सो ये मैंने ये स्पाइडर आई डाली क्योंकि मेरे को वो स्पेशल वाली स्पाइडर आई बनानी थी अपने पोर्शंस के लिए कि कुछ नहीं। और अभी मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, हाँ अभी आपको घर के बाहर सीक्रेट हाउस है। सो ये कोई ऐसा वैसा सीक्रेट हाउस नहीं, इसको मोड़ लगा है, एक लिफ्ट वाला और एक सीक्रेट हाउस वाला। सो आपको दिखा देता हूँ, ये जो चाबी है ना चाबी, वो मैं कहाँ से भी अगर मैं इस चाबी को ना कहाँ पर से भी दबाऊँ ना, ठीक है, ऐसे से दरवाज़ा खुल जाता है, देख सकते हैं। बस ये दरवाज़ा खुल गया एकदम मस्त। और अगर अभी मुझे ये दरवाज़ा बंद करना हो सो बस मैं भी इसे ऐसे कर लूँगा। सो ये बंद हो गया यार, किसको लगेगा यहाँ पर सीक्रेट हाउस है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। ए इसके ऊपर खड़े रह के अगर हैं, ओ भाई किसको लगेगा ये सीक्रेट हाउस है, मुझे तो नहीं लगेगा। ये लगा दिया हैच, और इसके ऊपर सीधे बेडरॉक भी आ जाता है आपके सेफ्टी के लिए। और ये पूरा घर है ना वो बेडरॉक की बॉर्डर से कोटेड है, सो अगर कुछ भी बॉम्ब अगर कुछ भी इसको टकराए ना वो बेडरॉक से तो नहीं बच सकता, वो पूरा घर बेडरॉक कोटेड है। सो हम लोग अंदर इतना सेफ है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।